Good morning, good afternoon, good evening, adab and namaskar. This is Aziz and you are watching Beauty and Cutiful channel, Miss Vahi Education. Today we will discuss about the electromagnet. Electromagnet. बच्चों आज हम बात करेंगे electromagnet के बारे में. किसके बारे में बच्चों बात करेंगे? बच्चे लोग बताओ ना. Electromagnet. ऐसा magnet जो electro हो. क्या हो? मैग्नेट इलेक्ट्रो भाई संधि विच्छेद कर दो. हिंदी में पढ़ा संधि विच्छेद के नहीं पढ़ा बच्चों? अच्छा लोग संधि विच्छेद पढ़ा. मुझे तो बस एक ही टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आता था हिंदी में, बोलता संधि विच्छेद. बढ़िया. जब मैं पढ़ता था 9th-10th में संधि विच्छेद किसी भी वर्ड का बहुत अच्छी तरह से करता था. संधि विच्छेद तो बस यहाँ पर भी संधि विच्छेद कर दो, यानी कि फोनोटिक सिस्टम. अगर इंग्लिश में बोले तो फोनोटिक सिस्टम, फोनोटिक सिस्टम कर दो इसमें भाई. बच्चों अब कहोगे सर संधि विच्छेद को फोनोटिक सिस्टम नहीं बोलते हैं. बच्चा लोग जब कोई बड़ा वर्ड होता है उसको पढ़ने का जो तरीका होता है, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो ब्रेक कर दो वर्ड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, पढ़ लोगे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रो हो. इलेक्ट्रो का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है डिवाइस, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट. यस व्हेन. अच्छा ये बताओ सोलेनाइड वाला वीडियो किसने नहीं देखा? हमारा करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड. जिन्होंने नहीं देखा हो तो वे यूट्यूब पे जाए, सर्च करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड, मिस वाई एजुकेशन, सोलेनाइड समझोगे तब ये चीज थोड़ा ज्यादा समझ में आएगी. और अगर नहीं भी देखा है तो भी समझ में आ जाएगी, लेकिन वो देख लोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा. व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर placed inside solenoid. तो device जो बनेगी, device called electromagnet. और वैसे भी हमने बताया क्या बताया? ऐसा magnet जो क्या हो, किससे चले? सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रो से, इलेक्ट्रिक से चले, उस मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. यही बताया हमने. क्या बताया? ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक से, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको? हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ओनली करंट पास थ्रू इट. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. और करंट पास नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी. यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा प्रॉपर्टी पर काम करता है करंट पर, कि अगर करंट पास होगा तो वो बनेगा, अदरवाइज करंट पास नहीं बनेगा. करंट पास नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा. तीसरी बात, इसमें सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया हमने? सॉफ्ट आयरन कोर ही बच्चों क्यों लिया? वेयर इज द रीजन टू टेकिंग द सॉफ्ट आयरन कोर. मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अंडरलाइन किया. तो सॉफ्ट आयरन कोर क्योंकि इट इजली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज. सॉफ्ट आयरन कोर ऐसा मटेरियल है कि जो बहुत इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और बहुत इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है. यानी कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में सोलेनाइड में हमने सॉफ्ट आयरन कोर लगाया तो वो बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब जब करंट सप्लाई होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट में, सोलेनाइड में करंट सप्लाई होगा तो करंट सप्लाई में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. और इसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर बना है रखा है वो भी उस सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए अपने अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. और जैसे ही हम करंट की सप्लाई बंद करेंगे तो ये डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा. यानी जैसे ही करंट गया हाल वो मैग्नेटाइज हो गया, वर्कआउट हो गया. और जैसे ही करंट सप्लाई बंद हुई तो डीमैग्नेटाइज भी हो गया. इसलिए हम बच्चों इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट मतलब सोलेनाइड में सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज करते हैं, तभी वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है. ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट के रिगार्डिंग. स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन
strength of electromagnet depend on. अब किस किस पर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ? नंबर फर्स्ट आपका डिपेंड करता है करंट पर। भाई आपको बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए है ज्यादा तो करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, करंट मैग्नेटिक फील्ड कम चाहिए तो करंट को कम कर दो जो सप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। पहला तरीका तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट में कि करंट को बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, करंट को कम कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो। तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। जैसे ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट है आपका, इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए, यहां से करंट जा रहा है, यहां से वापस आ रहा है, ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे? ये जो टर्न्स हैं इन टर्न्स को क्या कर दें? बढ़ा दें। यानी कि इसी इतनी ही लेंथ की वायर को हम क्या करते हैं, सोलेनाइड के बारे में हम नहीं बताएंगे बच्चे, सोलेनाइड का वीडियो आप लोग देख लेना क्या बताया था सोलेनाइड का यूट्यूब पे जाके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड विज माई एजुकेशन। ये अब हम इसके टर्न्स क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। लेंथ तो उतनी है लेकिन टर्न्स हमने क्या कर दिए? बढ़ा दिए। टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? स्ट्रांग हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। पहली चीज तो क्या थी? करंट या तो बढ़ा दो, तो करंट तो बढ़ नहीं पा रहा था, बैटरी उतनी ही हमारी लगी थी या सेल लगा था, जो भी एक फील दे रहे हैं, पूरा सर्किट नहीं तैयार कर रहे हैं, एक फील दे रहे हैं कि या तो इसके टर्न बढ़ा दो, उतनी ही लेंथ के छोटे छोटे टर्न कर दो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, नोट है कि अगर स्मॉल रीजन में हमें कैसी फील्ड चाहिए? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए छोटे से रीजन में, स्मॉल रीजन में जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं काम कर पा रहा। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? सोलेनाइड के अंदर रखा हुआ सॉफ्ट आयरन कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब सोलेनाइड क्या होता है? सोलेनाइड ये होता है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, डायमीटर बहुत कम हो, यानी कि एरिया बहुत कम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लेंथ अब हमें छोटे से रीजन में चाहिए, छोटे से रीजन, इतने रीजन में अब आपका वो आ नहीं पा रहा इलेक्ट्रोमैग्नेट, तब हम क्या करेंगे? तब हम यू शेप्ड मैग्नेट करते हैं हम लोग। यहां से बैटरी सेल से कनेक्ट होता है ये और ये, ठीक है, ये इस तरह से यहां से करंट जा रहा है, ये जा रहा है यहां से जाने के बाद फिर ऐसे कदम लिख दिया, ये और ये, फिर ऐसे करके ये वापस आ जाता है, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे रहेगा तो ऐसे ही ऐसे आएगा तो वैसे, लेकिन यहां से जब पीछे तरफ जाके फिर ऐसे बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसे जाएगा और पीछे, अब पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख पा रहा है, पीछे की तरफ जाके फिर ऐसे बाहर आ जाएगा। तो इतनी छोटी सी जगह में ये यूज करते हैं, जब स्मॉल रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती तब हम यूज करते हैं किसका? यू शेप्ड मैग्नेट का। इसको यू शेप्ड मैग्नेट तब हम किसका यूज करते हैं? यू शेप्ड मैग्नेट या हॉर्स शू, इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं और यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक फैन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, लाउड स्पीकर वगैरह में, ठीक है, लाउड स्पीकर में, क्रेन में भी यूज होता है, जो क्रेन मशीन होती है ना, भारी भारी गाड़ियां या भारी भारी चीजों को उठाने के लिए क्रेन मशीन, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बच्चों यूज होता है। तो
इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक से काम करे, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक से काम करे, इलेक्ट्रिक गया मैग्नेटिक फील्ड कम, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम बंद, वही लिखा है इसमें हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन द करंट पास थ्रू इट। और इसमें बनता कैसे है, सोलेनोइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर का सॉफ्ट आयरन कोर लगा देने से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, बहुत इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है और बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रो जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके अंदर अपने अंदर डाइपोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल खुद होते हैं, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर ही ऐसा मटेरियल और दूसरा मटेरियल इतना इजीली डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज नहीं हो पाता कि जैसे ही हमने करंट सप्लाई किया तुरंत वो मैग्नेटिक फील्ड उसने बना लिया बाहर का मैग्नेटिक फील्ड देख के, बाहर का मतलब सोलेनाइड में जो कॉइल्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड देख के खुद अपने अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। जैसे ही करंट सप्लाई गई तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, सोलेनाइड में जो कॉइल्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, तो इसने भी मैग्नेटिक फील्ड तुरंत बनाना बंद कर देने, इजली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं, इजली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। और स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, करंट पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर। अगर हम नंबर ऑफ कहें तो करंट बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, या फिर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें। और स्मॉल रीजन में अगर हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो उसके लिए क्या करेंगे, यू शेप मैग्नेट का यूज करेंगे, हॉर्सशू मैग्नेट का यूज करेंगे। और यूजेस आपको बता दिए, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक फैन है, लाउड स्पीकर्स है, क्रेन्स हैं, उनमें इसका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।